तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए। वेल गाइस, होता यूँ है कि कई बार हम लोग ना अपनी गाड़ी के शीशे खुले छोड़ देते हैं, या फिर हम अपनी गाड़ी के साइड वाले मिरर्स हैं ये खुले छोड़ देते हैं। अब आप अगर एक रिमोट वाले एरिया में रहते हो, या फिर आप लोगों को बारिश का डर रहता है, उन सब में क्या रहता है कि कई बार बच्चा खोल के छोड़ देते हैं और हम बंद करना भूल जाते हैं। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा सोल्यूशन। ये मोस्टली अब अपनी जितनी भी गाड़ियाँ टॉप मॉडल देने लगी हैं, मारुति ने खैर टॉप मॉडल में भी नहीं दिया होगा, बट लग्जरी गाड़ियों में जो भी आता है ये फीचर आता है। बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है ये, और लमसम लगा लो 3-4 हज़ार रुपये में जो है आपको पड़ जाएंगी। पर हाँ, चीज़ बहुत बढ़िया है, आप लोग देखोगे आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बढ़ाए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अपनी गाड़ी में रिले लगने वाली, कौन सी रिले है भैया? पावर विंडो की, गाड़ी की रिले। ये पावर विंडो की है। अच्छा, और दूसरी जो अपनी लगेगी वो कौन सी है, एक बार दिखाना। ठीक है, तो भाई ये ना साइड मिरर वाली रिले है, इधर मैं दिखा दूँ। दोनों अलग अलग ही होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ही होती हैं। इनका लगभग कितना कुछ प्राइस पड़ जाता है? इधर अराउंड आपकी 1700 रुपये की होती है पावर विंडो की। ठीक है, और आपकी 1500 की होती है, मतलब दोनों मिला के लगे 3000 के आसपास, 3200 है ना, 3200। अरे यार, मैं ज़रूरी बताऊँ क्यों है। कई बार ना बारिश होती है, हम लोग अपने शीशे खुले भूल जाते हैं ना, और उसके बाद ना ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी, जैसे ही आप लोग अपनी चाबी दबाओगे तो उसके बाद ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली ऊपर फोल्ड हो जाएंगे। और ये कंपनी है RD, भैया वारंटी कुछ आती है नहीं? गारंटी वारंटी भाई कंपनी वैसे देती है, 6 महीने की वारंटी। ठीक है, इसे नहीं तो अगर ख़राब होता है तो कंपनी के पास या अपने पास? यहाँ पे मेरे पास ही, इधर ही हो जाएगा। ठीक है, तो भैया दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, एक बार लग जाती है फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनका मैजिक क्या, इनका कमाल। यहाँ पे अपनी जो प्रोसेस है वो सारा खाया हो गया ना भैया? कंप्लीट अपना सारा प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो दोनों रिले लग गई हैं? दोनों रिले लग गई हैं प्रॉपरली, अब वर्क करेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और अच्छा भैया, ये ब्रेजा की हैं या कोई और गाड़ी की लगाई? क्योंकि बोल रहे हैं लोग ब्रेजा की आई नहीं है नई वाली के भी। नहीं, रिले तो सेम होती है, रिले सेम ही होती है सबकी। अच्छा, पहले गाइस देखो, अब जो मैंने रिले लगाई है इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। बेसिकली क्या है, ये खड़ी अपनी गाड़ी, ठीक है, और ये रही अपने जो चाबी है वो। तो इससे अगर मैं इसको खोलूंगा ऐसे, है ना, तो ये दिख रहे होंगे आपको साइड वाले जो मिरर्स हैं अपने आप ओपन हो चुके हैं पूरे, और सेम गोज विद दिस साइड। और यहीं पर अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा ऐसे, तो यहाँ पर बंद हो चुके हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर टाइट बहुत ज़्यादा पार्किंग होती है, उस जैसी जगहों में ना बहुत ज़्यादा काम आती है चीज़ें। काम कैसे आती हैं कि देखो, आप सपोज आप पार्किंग कर रहे हो और अगर आपका ये शीशा जो है ना खुला का खुला रह जाता है ऐसे, तो उसके बाद जो कोई गाड़ी वाड़ी निकलती है या फिर कोई लोग हाथ से इसको करते हैं, तो इसकी मोटर वोटर भी जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं, एंड उन सब चीज़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसका भाई ये ज़बरदस्त सोल्यूशन है कि आप लोग जो है ये रिले इंस्टॉल करवा लो। RD की जो है मैंने इंस्टॉल कराई है, और गाइस केवल ये ही नहीं, इसके साथ साथ मैंने ना दो कॉम्बिनेशन इंस्टॉल करवाए थे। कॉम्बिनेशन मैंने क्या इंस्टॉल कराए थे, सपोज देखो, एक तो अपनी ये जो है इसका तो हो ही गया, ठीक है, वापस मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के बाद, ये प्रॉपरली एकदम वर्क कर रहा है और इसमें दिक्कत कोई भी नहीं है। अब हमारा जो ये गेट है ये खुल चुका है, ठीक है। अब सिर्फ आपको एक बार डेमो पर्पस के लिए मैं जो है यहाँ से गाड़ी को ऑन करते हैं, ये होगी अपनी गाड़ी ऑन। शीशे में जो है ना सारे उतार देता हूँ, एक बार और ऑन करनी पड़ेगी। शीशे हम उतार देते हैं सारे के सारे, आपको दिख रहे होंगे यहाँ से, तो मैं जो है चारों शीशे एक बार उतार देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपने चारों के चारों शीशे जो हैं उतर गए। अब मान लो भाई ऐसा सिनारियो आता है, ऐसा केस आता है जिसके अंदर जो है भाई मैं भूल गया हूँ कि मैंने मेरे शीशे बंद करने थे गाड़ी के, तो कैसे हम लगाते हैं अंदाज़ा कि भाई हम लोगों ने मान लो अपनी गाड़ी चलते चलते जो है यहाँ पे, और हम लोगों ने शीशे खुले छोड़ दिए। तो मैंने आपको पहले मिरर्स तो दिखाई दिए थे कि मिरर कैसे बंद होते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मिरर्स बंद होंगे, मिरर्स बंद होने के बाद आप लोग देखिए शीशा बंद हुआ, उसके बाद जो है उस तरफ वाला हूँ अंदर वाला अगर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद जो है ये वाला शीशा अपने आप बंद हो गया, एंड उसके बाद जो है वो आखिरी वाला हो जाएगा। इधर से भी ले जाके दिखा दूँ आप लोगों को एक बार, कहीं आपको लग रहा हो कि मैं जो है आपका हर्ष भाई आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने वाली जगह कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ से जो है अपनी चारों की चारों जो है खिड़कियाँ एकदम बंद हो गई हैं। तो भाई जो रिले है ना बहुत ही ज़्यादा काम आती है, और छोटी सी चीज़ है बट इतना बड़ा आप लोगों को फ़ायदा कर देगी ना, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आप लोग खुद मेरे को थैंक यू बोलोगे इस चीज़ के लिए कि बहुत अच्छी चीज़ बताई है मैंने। तो बस ये है कि आपकी गाड़ी में पावर विंडोज़ होनी चाहिए और आपकी गाड़ी में जो है ये होना चाहिए। तो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा मैंने इसमें रिले लगवाई हैं, और उसके बाद जो है ना भाई एक नंबर का प्रोसेस हो गया, स्मूथ है, ना किसी चीज़ की टेंशन रहती है मेरे को कि मेरे को गाड़ी के शीशे बंद करने रहेंगे, साइड वाला बंद करना रहेगा। बहुत ही बढ़िया चीज़, आप लोग भी करा सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि वारंटी वॉइड नहीं होती, बस आपकी गाड़ी में पावर विंडोज़ होनी चाहिए और साइड वाले ऑटो फोल्डिंग मिरर्स होने चाहिए, उसके बाद जो है आपकी गाड़ी पूरी मस्त बन जाएगी। तो काम मैंने कराया था ऑटोमेटिक कंपेयर पर, आप लोग भी करा सकते हो। सेकंड गाइस, अभी खड़ा हूँ मैं गोवा में, और मैं दिखाऊँ अगर आपको पीछे की सीनरी है, ब्यूटी, और इधर से भी मैं अपलोड करने लगा वीडियो। बाकी अगर मैं पीछे का आपको दिखाऊं तो देख सकते हो भाई क्या
जबरदस्त है। कैमरा पीछे करूँ फिर दिखाता हूँ आप लोगों को पीछे का क्या सीन सौदा है दिखाता हूँ। ये देखो क्या जबरदस्त लग रहा है ना गोवा, मतलब गोवा तो गोवा ही है और यहाँ का मौसम भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो इनकेस अगर आप लोगों को व्लॉग्स देखने हो गोवा के तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताएगा, मैं 100% जो है यहाँ के व्लॉग्स डालूंगा। गाइस एक चीज़ और कि हमारी जो गाड़ी है उसका इंटीरियर होना स्टार्ट हो चुका है, अब इंटीरियर होना स्टार्ट हो चुका है तो जब मैं गोवा में इतने पीछे से इंटीरियर स्टार्ट हो रहा है कैसे हुआ है वो सब कुछ आपको मैं बताऊँगा जब मैं पहुँच जाऊँगा। कल पहुँचेंगे हम लोग और बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आपकी अपनी प्रेजा बनने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली 7 को गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी मेरे को, 7 या 8 को, तो तब से जो है आपको वीडियो स्टार्ट देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, वेट करते रहो मज़ा आ जाएगा।